शारीरिक शिक्षक भर्ती परीक्षा और अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा लेवल 1 और लेवल 2 में कुछ अभ्यर्थियों ने डमी अभ्यर्थियों की फोटो का इस्तेमाल किया है। ये जानकारी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से दी गई है। बोर्ड का कहना है कि अभ्यर्थियों ने अपनी जगह डमी अभ्यर्थियों की फोटो का इस्तेमाल किया और परीक्षा में चयनित हो गए। बता दें, ऐसे ही 6 नए मामले सामने आए हैं जहां कुछ अभ्यर्थियों ने ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा, सामान पात्रता परीक्षा 2022, कनिष्ठ अभियंता भर्ती परीक्षा 2020, अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा लेवल 1 और लेवल 2 में भी डमी अभ्यर्थियों की फोटो का इस्तेमाल किया था। इस आधार पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से जयपुर के सांगानेर पुलिस थाने में शक के आधार पर ऐसे 6 अभ्यर्थियों के खिलाफ 1 दिसंबर को मामला दर्ज करवाया गया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज का कहना है कि हमने सभी अभ्यर्थियों को आगाह करने की कोशिश की और कहा कि सभी अभ्यर्थी अपनी परीक्षा खुद दे और किसी भी डमी अभ्यर्थी की मदद नहीं ले, और फिर भी कोई अभ्यर्थी किसी भी डमी अभ्यर्थी का सहारा लेता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिससे इस तरह की आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लग सके। बता दें, इससे पहले भी 10 अक्टूबर को पीटीआई भर्ती परीक्षा 2022 में आरएसएसबी ने 15 अभ्यर्थियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसकी जांच अभी पुलिस कर रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। अगली अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द नगरी न्यूज़। शुक्रिया।